कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आज जो जॉब निकल के आ रही है टाटा ग्रुप काटो कंपनी से आ रही है, ये लोग हीरिंग कर रहे हैं बहुत सारे पद है उस पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है। इसमें दिक्कत यह है कि आपको दिखाया जाता है कि हीयरिंग चल रही है, ऐसा नहीं है केवल एक पोस्ट के लिए हीयरिंग होती है, इसमें एक पोजीशन के लिए मल्टीपल हीयरिंग होती है। मतलब एक पोजीशन उन्होंने बता दिया सीनियर इंजीनियर की हीयरिंग होती है, होनी है सीनियर इंजीनियर, मतलब एक ही पोस्ट नहीं है, मतलब केवल एक सीनियर इंजीनियर की हीयरिंग होगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें सीनियर इंजीनियर के लगभग 50-60 पद ऐसे होते हैं, 10-15 सीनियर इंजीनियर की हीयरिंग होने वाली है, ऐसे हीयरिंग होते हैं। ये नहीं कि इतनी बड़ी कंपनियां हैं एक हीयरिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन देंगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। आज जो कंपनी है टाटा की कंपनी है, टाटा ऑटो कंपनी है, टाटा ही है, वी आर हीयरिंग। इसमें वर्क टाइप होता है, ये नहीं कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू दे दिया गया सिलेक्शन हो गया, नहीं। इसमें वॉल ड्राइव होता है, जो मान लीजिए कि बड़े बड़े होटलों में बुला करके कंपनियाँ या फिर प्लांट में बुला करके खुद ही इंटरव्यू लेती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें इसका जो इंटरव्यू डेट है वो 8/6/2024 का सैटरडे का, आज आपका 7 तारीख हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और टाइमिंग है 10 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इसका वीडियो कल भी एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, आज इसका लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो फर्स्ट वैकेंसी है पोजीशन 1 की, वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें डेजिनेशन है सीनियर इंजीनियर, एजुकेशन डिप्लोमा और मैकेनिकल होना चाहिए, एक्सपीरियंस 7 साल से 9 साल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल होना चाहिए अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, ये सब इसकी स्किल होनी चाहिए। और जो सेकंड पोजीशन है वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की है, डेजिनेशन है, पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर की है, एजुकेशन होना चाहिए डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट वाले सारी स्किल होना चाहिए फ्रेंड्स। जो थर्ड पोजीशन की पोजीशन है जिसकी हीयरिंग होने वाली है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फ्रेंड। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर में जो पोस्ट होने वाला है वो असिस्टेंट मैनेजर का होने वाला है, और एजुकेशन है वो बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल से, एक्सपीरियंस 3 से 4 साल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए लेजर वेल्डिंग मैकेनिकल से, टेक्स क्लीनिंग एंड रीशेपिंग टूलिंग एंड सेपिंग, ये स्किल होना चाहिए। फोर्थ पोजिशन है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की, ये भी है, इसमें डेजिनेशन है असिस्टेंट मैनेजर की, एजुकेशन हो चाहिए बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल से, एक्सपीरियंस 3 से 4 साल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल होना चाहिए ग्लू डिस्पैचिंग सोल्डिंग पेस्ट प्रिंटिंग एंड रीफ्लो सोल्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और पांचवी जो पोजीशन है उसकी हीयरिंग होने वाली है वो है क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। इसमें डेजिनेशन है सीनियर इंजीनियर की, एजुकेशन होना चाहिए डिप्लोमा, एक्सपीरियंस 7 से 9 साल, रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए प्रोसेस क्यूए एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। सिक्स पोजीशन है मेंटेनेंस की, डेजिनेशन है ड्यूटी मैनेजर की, एजुकेशन बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड रोबोटिक्स से, एक्सपीरियंस 7 से 8 साल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग पीएलसी स्किल, बेसिक हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक यूनिटी, ठीक है। सातवा है वो भी मेंटेनेंस का ही है, डेजिनेशन होनी चाहिए असिस्टेंट मैनेजर की, एजुकेशन होना चाहिए बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल से, एक्सपीरियंस 3 से 4 साल होना चाहिए, पीएलसी बेसिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सर्किट का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये इंटरव्यू है फ्रेंड्स, ये वॉल्क इंटरव्यू है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वॉल्क इंटरव्यू है तो जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इंटरव्यू कहाँ पे है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो इंटरव्यू है वो होने वाला है टाटा टोयो रेडिएटर लिमिटेड, टाटा टोयो रेडिएटर प्लॉट नंबर D236/7 MIDS इंडस्ट्री एरिया फेस सेकेंड विलेज बरेली तालुका खेड़ पुणे महाराष्ट्र, पिन कोड है 410501 इंडिया। कॉन्टैक्ट पर्सन है, इसमें 2 ईमेल आईडी दी हुई है, तो दोनों ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम और डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टर होते हैं, पहले शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उस पर रिप्लाई आ जाएगा, आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाएगी, जाके इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन कोई आता है तो हम उसे तुरंत ही अपने टेलीग्राम चैनल पर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर रिलीज कर देते हैं, व्हाट्सअप जो हमारा चैनल है, व्हाट्सअप पर चैनल है।
ठीक है 01 टारगेट है चाइप के नाम से, उसके हम लोग तुरंत रिलीज कर देते हैं। हमें वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिजी रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपको हमें टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे आपको मालूम चल जाएगा, तो आपके पास भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाए मिल जाएगा। और हमें तो थैंक यू फ्रेंड्स।